तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप एक यंग इंडिविजुअल हैं जिसको कि ऐसे स्किल्स चाहिए जिनसे वो पैसे कमाना स्टार्ट कर दे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो कि टोटली कंप्यूटर बेस्ड हैं और उनसे जो है वो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, तो ये 5 के 5 जो स्किल्स हैं ये कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन पर ऑनलाइन काम करके बाहर से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकते हैं, यानी पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं जो कि अच्छा पे करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो स्किल है वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से मेरा मुराद ये है कि किसी भी किस्म की कोडिंग, चाहे वो HTML हो, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, किसी भी किस्म की कोडिंग जिससे जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट हो रही है, तो ये एक आजकल जो है वो बड़ा इन स्किल है जो कि मुझे पर्सनली फील होता है कि अब जो है वो काफ़ी सैचुरेटेड भी हो गया है, क्योंकि अपनी एकेडमिक स्टडीज़ में भी ज़्यादातर बच्चे जो है वो स्किल्स के लिए इनको ही रखते हैं। ज़्यादातर बच्चे एकेडमिकली जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्रेजुएट करते हैं तो वो अपनी डिग्री जो है वो इन्हीं चीज़ों में कर रहे होते हैं, सी लैंग्वेज पढ़े होते हैं, पाइथन पढ़े होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इस तरह की चीज़ें। लेकिन उन लोगों में ये होता है कि अगर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े तो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अपना प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ हैं जिससे आप लोग सीख सकते हैं, और इसके अलावा कोर्सेज भी हैं काफ़ी सारे जिससे आप लोग ये स्किल सीख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल स्किल है और बाहर इसकी काफ़ी डिमांड है। पाकिस्तान में भी है डिमांड, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है और बाहर के क्लाइंट इस पे भी अच्छा करते हैं। नंबर 2 पे जो स्किल है जो कि मैं पर्सनली सीख भी रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने वीडियो एडिटिंग इन 2024 के बारे में बात की थी, कि जो एक स्किल मैं पर्सनली सीख रहा हूँ वो है ब्लेंडर। अब ब्लेंडर में क्या होता है, ब्लेंडर में आप 3D मॉडल्स बनाते हो, उनको एनिमेट करते हैं, यानी 3D का टोटली 3D का काम होता है। जिस तरह कभी आप लोगों ने लूप एनिमेशन देखी होंगी, कोई चीज़ गिर रही है, या फिर आप लोगों ने आर्किटेक्चरल 3D मॉडल्स देखे होंगे, इस तरह की चीज़ें सारी जो है वो ब्लेंडर में बनती हैं। और ब्लेंडर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जिस बंदे ने पहले प्रीमियर प्रो या आफ्टर वर्क सीखा हुआ उसके लिए थोड़ा सा ईजी है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन खैर, मैं अभी फिलहाल यूट्यूब से सारे ट्यूटोरियल सीख रहा हूँ और मेरा उसमें तकरीबन समझ लें आप लोग बेसिक जो है वो 60% कवर हो गया है। अभी मैं एडवांस की तरफ बिल्कुल गया ही नहीं, यानी बेसिक मेरा 70% कवर हो गया है, और मैं जो है ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्किल को भी अपने इनहेंस करूँ। इस स्किल में बहुत काम है। मेजर जो मेरी वजह थी इस स्किल को एक्वायर करने की वो ये थी कि इसके अंदर हलाल हराम का इतना मसला नहीं होता। इसके अंदर भी आप लोग को कुछ क्लाइंट्स को प्रॉपर वीडियोज़ बना के देनी होती हैं प्रॉपर एनिमेशन के बाद, लेकिन उसके अंदर भी यानी वो कम ही क्वांटिटी में होता है, यानी उसके अंदर इतना मसला नहीं होता म्यूजिक वगैरह का, आप नशीद यूज़ कर लो तो काम चल जाता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ वीडियो का काम नहीं है, इसके अंदर फोटोज़ का भी काम होता है। तो ब्लेंडर एक अच्छी ऑप्शन है, इसमें भी आप लोग को बाहर के अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं और आप लोग काफ़ी काम कर सकते हो इस पर। तीसरे नंबर पर जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिससे आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचते हो, और उस बेचने में मार्केटिंग भी इंक्लूड होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो ये एक अच्छा स्किल है एक्वायर करना। इसके लिए जो है वो मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसीजर होता है, कि यूट्यूब पे इसके मेरे में इसके भी ट्यूटोरियल्स होंगे काफ़ी सारे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितने इफेक्टिव हैं। तो ये एक ऐसा स्किल है जो कि एक्वायर किया जा सकता है और इसकी काफ़ी डिमांड भी है। नंबर 4 पे जो स्किल है वो है UI UX। अब UI UX के लिए आप लोग को, अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर पहले से हैं तो UI UX में आप लोग काफ़ी अच्छा आगे तक जा सकते हैं। UI UX यूजली दो, जब तक मुझे इसका आइडिया है, दो सॉफ्टवेयर पे होता है, एक फिग्मा है और एक है आपका एडोब XD। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर जो है वो आप लोग UI UX सीखते हैं। UI UX मेजरली जो है वो ये होता है कि UI में ये होता है कि जो आपका इंटरफेस होता है किसी भी ऐप का या किसी भी फ़ोन का या कोई भी इंटरफेस हो, उसको आप डिज़ाइन करते हो UI में। और UX में ये होता है कि आप उसको जो है वो प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग करते हो, कि इसमें आप कैसे काम होगा, इसके अंदर आप ये बटन दबाओगे तो कौन सी फंक्शनैलिटी होगी, या फिर वगैरह वगैरह। तो UI UX एक अच्छा स्किल है सीखने के लिए 2024 में भी, जिससे जो है वो आप लोग बाय के क्लाइंट से काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। मुझे इसमें पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है इतना, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने लोगों ने सुना है, अगर आप इसमें प्रोफेशनल हो तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो। नंबर 5 पे जो स्किल है वो है कैमरा हैंडलिंग। अब कैमरा हैंडलिंग से मेरा मुराद फोटोग्राफी भी है और वीडियोग्राफी भी है। इसके अंदर सिर्फ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं आती, इसके अंदर एज अ गैफर अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी आता है। कैमरा हैंडलिंग एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर बंदा फिसल सकता है, तो मैं इसको भी इतना रिकमेंड नहीं करता। मैंने इस वीडियो में जो बात की है जिन स्किल्स की, उसमें से 3 जो है वो मेजर में जिनको जो है वो सपोर्ट करता हूँ कि आप लोग को सीखें। नंबर 1 पे है ब्लेंडर, नंबर 2 पे है कोडिंग आपका सी लैंग्वेज, और नंबर 3 पे है UI UX। तो कैमरा हैंडलिंग के बारे में यही है कि कैमरा हैंडलिंग में आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैमरे की फंक्शनैलिटी क्या होती है, लाइट कैसे सेट करते हैं। फोटोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि शटर स्पीड क्या है, ISO क्या है, वगैरह वगैरह, जितनी भी जो है वो टर्म्स होती है कैमराज की, और आपको फ्रेमिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इनसे भी जो है वो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, लेकिन इसमें हलाल हराम का फिर थोड़ा सा मसला आता है, तो इसलिए मैं इसको इतना रिकमेंड नहीं करता। मैंने जो आप लोगों को 3 स्किल्स बताए हैं, मैं उनको ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वो उन पर जो है वो कोशिश करें कि उनको करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आप लोग से मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।